our teacher Jyotsna. Today we are going to make a wall hanger with craft papers and waste cardboard. Take one waste cardboard like this and a yellow sheet or any other sheet of your own choice and cut the circles from the yellow sheet. Just firstly you can draw the circles and cut it. See, जैसे हमारा ये येलो सर्कल बन गया है, आप येलो सर्कल बनाओ, फोर वो येलो सर्कल, फोर और एट येलो सर्कल्स, और किसी और कलर को भी आप यूज़ कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। आपने इसको फोल्ड कैसे करना है, सी ऐसे आपने इसको शीट को लेना है और लाइक दिस इसको यहाँ से फोल्ड किया, इसको यहाँ से फोल्ड किया, कोन शेप बनानी है लेकिन नीचे से पूरा बंद नहीं करना, ऐसे करके आपने फेविकोल लगा देनी है यहाँ पर। Like this and paste and your cone shape is ready for the decoration. See, our cone shapes are ready. Now paste these cone shapes on the cardboard sheet. आप इसको डबल कलर में भी ले सकते हो, सिंगल कलर में भी ले सकते हो, या फिर मल्टी शेड में बनाना चाहते हो तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे भी बना लो। Make one rose from the craft paper and paste it in the center. Make craft paper rolls. See, आपने एक ब्रश रखना है क्राफ्ट पेपर में या फिर आप पेंसिल से भी कर सकते हो और इसको आपने ऐसे फोल्ड करते जाना, ब्रश को थोड़ा थोड़ा बाहर निकालते जाना ताकि वो आपको लास्ट में ऐसे आपने एंड में फेविकोल से इसको पेस्ट कर दे, ऐसे करके ये पेस्ट हो जाए और ब्रश को आपने निकाल लेना है, ये आपका एक रोल बन जाएगा। आप इसको कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो, नीचे जो हमने स्टिक्स लगाई हैं हमने उनको डेकोरेट कर देना है। जैसे मैंने पेपर रोल्स बनाए वैसे मैंने ये छोटे छोटे भी पेपर रोल्स बना दिए और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हो,
ये हमारे पास, मेरे पास ये स्पेयर है तो मैं इसी में इसको डेकोरेट कर लूँगी। इसके पीछे की तरफ हमें थोड़ी सी गम लगानी है। और इसको इसके बीच में हमने डाल दिया ताकि इसके बीच में सीधे अच्छे से पेस्ट हो जाए। ऐसे एक बेल्स की तरह बन जाएगा हमारा। Ready.